बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 127 आवर्स। ये कहानी है एक लड़के की। इस लड़के का नाम होता है एरन रॉल्स्टन। एरन हाइकिंग के लिए जाता है और जिस जगह पर वो जाता है वो पूरा इलाका वीरान होता है। वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। और जब वो हाइकिंग कर रहा होता है तभी उसे दो लड़कियां दिखती हैं। दरअसल ये लड़कियां अपना रास्ता भूल चुकी होती हैं। एरन बोलता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? और वो उन दोनों के पास जाता है। इनका नाम होता है क्रिस्टी और मेगन। एरन इन दोनों को सही रास्ता बताता है और इन्हें गाइड करने के लिए इन्हीं के साथ आगे के सफर पर निकल जाता है। और जब वो काफी आगे पहुंच जाते हैं तो एरन इन्हें बोलता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि आपको उस सफर में बहुत मजा आने वाला है। और ये तीनों के तीनों पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये रास्ते बहुत पतले होते हैं और जब ये तीनों कुछ आगे पहुंचते हैं तो एरन वहां से कूद जाता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि एरन गिर गया। तभी एरन नीचे से आवाज लगाता है क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी होता है और एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। और इसके बाद ये दोनों भी एक एक करके नीचे कूद जाते हैं और इस खेल में इन्हें बहुत मजा आता है। ये काफी समय तक उस पूल में इंजॉय करते हैं और उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और क्रिस्टी और मेगन को अपने घर। अब ये एक सेल्फी खींचते हैं। एरन पूछता है, क्या फिर हम दोबारा कभी मिलेंगे? मेगन बोलती है कि कल रात को हमारे घर पर पार्टी है और तुम भी आ सकते हो। और इसके बाद एरन वहां से निकल जाता है। एरन अब आगे पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ रहा होता है। वो इस पूरी हाइकिंग को बहुत एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत संकरे और बहुत खतरनाक हैं। और जब एरन दो संकरी पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी वहां पर एक पत्थर होता है। एरन उसका सहारा लेता है लेकिन वो पत्थर खिसक जाता है। इसकी वजह से एरन नीचे गिरता है और वो पत्थर जिसका उसने सहारा लिया था वो एरन के हाथ के ऊपर आकर गिर जाता है। अब एरन का हाथ दो संकरी पहाड़ियों के बीच में एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। हालांकि उसको ज्यादा चोट नहीं लगी होती लेकिन उसका हाथ अब वहां से नहीं निकल सकता। वो अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। और जब उसको लगता है कि उसका हाथ अब यहां से नहीं निकल सकता तो वो मेगन और क्रिस्टी को जोर जोर से आवाजें लगाता है लेकिन उसकी आवाज वहां से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये संकरी पहाड़ियां हैं। और यहां से आवाज बाहर पहुंचाना वो भी इस वीराने में जहां कोसों दूर तक कोई इंसान जानवर पशु पक्षी का नामो निशान तक नहीं है लगभग नामुमकिन है। इसके बाद एरन अपने बैग को खोलता है और उसके बैग में हाइकिंग का जितना भी सामान होता है वो सब का सब बाहर निकालता है। उसे यहां से किसी भी कीमत पर निकलना होगा क्योंकि वो जानता है कि यहां पर शायद कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब जो उसने यहां पर सामान निकाला होता है उसमें एक छोटा सा नाइफ भी होता है और वो उस नाइफ के जरिए चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये एक ठोस चट्टान है और इसके साथ साथ एरन का सीधा हाथ चट्टान के अंदर फंसा होता है। इसीलिए उसे उल्टे हाथ से काम करने में और भी परेशानी हो रही होती है लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता। वो लगातार उसको काटना शुरू करता है और इसी दौरान उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो अब उस नाइफ को हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो उसे दूर होता है। लेकिन फिर भी किसी तरह से एरन उस नाइफ को अपने तक खींच लेता है और एक बार फिर से वो चट्टान को काटना शुरू करता है लेकिन वो इस काम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है और उसके नाइफ की धार भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और अब रात हो जाती है और एरन को यहां पर फंसे हुए कई घंटे हो चुके हैं। उसे नहीं पता कि वो यहां से कैसे निकल सकता है इसीलिए वो लगातार यहां से निकलने की अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता रहता है। और अब एरन को यहां पर फंसे हुए 25 घंटे हो जाते हैं लेकिन अभी भी उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसके बाद वो अपने कैमरे को ऑन करता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। वो बताता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि वो किसी को बिना बताए यहाँ पर आया होता है। वो ये भी बताता है कि उसके पास खाना बहुत कम है और पीने के लिए भी सिर्फ 400 से 500 ml पानी है। अब जब वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है और उसे लगता है कि वहां पर कोई है और एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उसके चीखने का चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां पर कोई होता ही नहीं है। और कुछ घंटों के बाद एक बार फिर से रात हो जाती है। एरन को भूख लगती है और उसके पास जो खाने का बचा कुचा सामान होता है वो उसे खाता है और तभी उसे याद आता है कि आज रात को क्रिस्टी और मेगन ने उसे बियर पार्टी में बुलाया था
और वो उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है, अपने आप से बातें भी करता है। दरअसल अकेले में ये सब होना बहुत आम बात होती है। और उसे वो पल भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए सैटरडे को अपने घर से निकल रहा था। उसी दौरान उसकी मॉम का कॉल भी आता है, लेकिन वो उनका कॉल रिसीव नहीं करता। उन्हें नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर शायद वो उन्हें बता देता तो हो सकता था कि वो उसे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच जाती। लेकिन अब किसी को नहीं पता कि एरन कहां पर है। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरन एक पुली बनाता है। वो रस्सियों से उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर है, और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर हिलता तक नहीं। इसके बाद वो रस्सी के उसी सिरे को पैर में फंसाकर उस पत्थर को पूरे जोर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। और अब तीसरे दिन एरन का पीने का पानी भी खत्म हो जाता है, और जब उसे यूरिन आता है तो वो उस यूरिन को अपनी बॉटल में भर लेता है, क्योंकि अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, और अब उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ेगा। यहाँ पर उसके पास कुछ भी काम नहीं है, इसीलिए वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखता है। वो इस जगह से हिल भी नहीं सकता। वहां पर कुछ इंसेक्ट्स भी कभी कभी आते हैं, और अगर वो उन्हें मार कर खाना चाहता है तो उसे इंतजार करना पड़ेगा कि वो उस तक पहुंचे। इसके साथ साथ एरन को इस पहाड़ी दर्रे में एक दिन में केवल 15 मिनट ही धूप मिलती है, उसके बाद धूप वहां से चली जाती है। 3 दिनों के अंदर एरन यहाँ पर भूख से, प्यास से और इस माहौल से पूरी तरह से परेशान हो जाता है, और अब वो ये तय करता है कि वो अपने हाथ को काटेगा। वो अपने हाथ को ऊपर से अच्छे से बांध लेता है, और उसके पास जो नाइफ होता है वो उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी धार खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके हाथ की पतली सी स्किन भी उस चाकू से नहीं कटती। इस बात से एरन को डिसअपॉइंटमेंट होता है, और वो कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी चाइना के सस्ते टूल्स मत खरीदना, ये किसी काम के नहीं होते। और इस तरह से एक और दिन खत्म हो जाता है, रात हो जाती है। एरन को अपने पिछले दिन बहुत याद आते हैं, उसे अपना परिवार, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बहुत सारे दोस्त याद आते हैं। और जब वो उन सब को याद कर रहा होता है तभी ऊपर आसमान में बादल घिराते हैं और बहुत जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है। और एरन के पास अभी तक पानी खत्म हो चुका था, वो अपनी बॉटल में पानी भर लेता है, और पानी उन पहाड़ी दर्रों में आना शुरू हो जाता है जहां पर एरन फंसा हुआ है। और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता ही जाता है और एरन उसमें डूबना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए हम भारी से भारी चीज को आराम से उठा सकते हैं। और एरन अब पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जो उसके हाथ पर है, और बहुत मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है और उसका हाथ वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो भागता हुआ अपनी गाड़ी तक जाता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और कैन्यन लैंड नेशनल पार्क से निकल जाता है। लेकिन ये सब एक सपना होता है। एरन अभी भी उस पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ है, और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे यहाँ पर काफी दिन हो चुके हैं, इसीलिए उसे अजीब अजीब सपने और साथ में हेल्यूसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं। हेल्यूसिनेशन भ्रम को कहते हैं, जब सामने कुछ भी नहीं होता और आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं, तो इसे हेल्यूसिनेशन कहा जाता है। एरन को इस जगह पर फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं, और ये उसका 5वां दिन होता है, इसीलिए उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बातें करता है, कॉमेंट्री करता है, और उसमें ये बताता है कि अगर मैंने अपनी मॉम का कॉल रिसीव करके उन्हें बताया होता कि मैं इस जगह जा रहा हूं, तो शायद आज मैं यहां पर फंसा हुआ नहीं होता। और जिस शॉपकीपर से उसने हाइकिंग का सामान लिया था उसने उसे भी कुछ नहीं बताया था। अगर शायद वो उसे भी कुछ बता देता तो हो सकता था उसकी मिसिंग रिपोर्ट वो करवा देता और कोई उसे यहां पर ढूंढने आ जाता। एरन अपनी मॉम और डैड को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और वो ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि अब उसकी खुद भी यहां से निकलने की उम्मीदें टूट चुकी हैं। वो प्यासा है, वो भूखा है, उसके शरीर में जान नहीं है, और ये बहुत बड़ा पत्थर जिसे वो हिला भी नहीं सकता, उसने एरन की पूरी जिंदगी को इस पहाड़ी दर्रे में रोक कर रख दिया है। अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है, और वो चाकू जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इस बार वो उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उस चाकू की फ्रंट साइड को अपनी स्किन के अंदर गाड़ना शुरू करता है, और चाकू उसकी हड्डी तक टच हो जाता है, उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता, और इस तरह से एक दिन और निकल जाता है। और 6वें दिन एरन अब बहुत कमजोर हो चुका है, और अगर अब वो यहां से नहीं निकला तो वो बच नहीं पाएगा। एरन कहता है कि शायद ये पत्थर जिंदगी भर मेरा ही इंतजार कर रहा था। जब से मैं पैदा हूं तब से ये पहाड़ी दर्रा मेरा इंतजार कर रहा था।
मेरी डेस्टिनी शायद यही है, और वो वही उसी चट्टान पर RIP यानी कि रिप रेस्ट इन पीस और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखता है और नीचे अपना नाम, क्योंकि अब उसने यकीन कर लिया होता है कि अब वो यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकता और वो वहां पर उसी तरह से निढाल हो जाता है। अगली सुबह यानी कि छठे दिन जब उसको हल्का सा होश आता है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं और उन विजन्स में वो एक बच्चे को देखता है जो उसका फ्यूचर सन होता है, और अपने बच्चे के साथ वो देखता है कि वो खेल रहा है, और तभी उसके अंदर एक आत्मशक्ति आती है और वो अपने फंसे हुए हाथ को ऑपोजिट साइड पुश करना शुरू करता है और अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है, और इसके बाद जो उसके पास चाकू होता है उस पर उसने धार लगा ली होती है और धीरे धीरे वो अपने हाथ को काटना शुरू करता है, और इस तरह से वो अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है। और आज छठे दिन अपने हाथ का बलिदान देने के बाद एरन अपने आप को इस पत्थर से, इस दर्रे से आजाद कर पाता है। वहां से निकलने से पहले वो अपने हाथ की फोटो भी खींचता है, उस हाथ की जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। अब एरन बहुत मुश्किल से इस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि वहां पर बारिश का कुछ पानी जमा होता है। एरन उस जगह पर जाता है और बहुत सारा पानी पीता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से एरन ने न खाना खाया और न अच्छे से पानी पिया है, इसीलिए वो जी भर के पानी पीता है। और इसके बाद वो वहां से आगे निकलता है और उसे आसमान में उड़ता हुआ वो रेवन भी दिखता है जिसे हर रोज वो उस पहाड़ी दर्रे से देखता था। आज वो खुद भी उस रेवन की तरह आजाद हो चुका है, लेकिन अभी भी कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बीहड़ है। लेकिन एरन अपनी आत्मशक्ति को नहीं खोता, वो दर्द से पीड़ित होने के बाद भी आगे बढ़ता ही जाता है, और तभी उसे एक परिवार दिखता है जो हाइकिंग के लिए यहाँ पे आया होता है, और एरन उन्हें आवाज लगाता है। वो भागते हुए उसके पास आते हैं और वो एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं, और इसके बाद वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है और एरन को वहां से उस हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है, और एरन ने जो अपने बच्चे के विजन्स देखे थे आगे चलकर वो सच होता है। 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेसिका होता है, और इन दोनों की शादी हो जाती है, और इसके बाद एरन का एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। एरन ने इन 6 दिनों में मौत को बहुत नजदीक से देखा, लेकिन उसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता, वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है, और वो जहां भी जाता है वो वहां पर ये नोट जरूर लिखता है कि वो कहां जा चुका है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये एक सच्ची कहानी है जिसमें एरन 6 दिनों तक उस पहाड़ी दर्रे में रहा, और 5वें दिन में उसने अपना यूरिन भी पिया, और उसने उन चट्टानों पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और मरने की डेट भी लिख दी थी, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। और जिस पत्थर के नीचे एरन का हाथ दबा था उसका वजन था 800 पाउंड्स यानी कि 360 किलो, और उसके पास पीने के लिए जो पानी था वो 350 ml था, और खाने के लिए बहुत कम चीजें। लेकिन उसने अपना संयम नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी, और इसीलिए वो 5 दिनों तक सर्वाइव कर पाया। और 6ठे दिन में जब उसको ऐसा लगा कि अब वो नहीं बचेगा तो किसी अनजानी शक्ति ने उसका साथ दिया और उसे अपने फ्यूचर सन के विजन्स आए जिससे उसे शक्ति मिली और वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया। एरन ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि अगर उसने अपना हाथ पहले काट दिया होता तो शायद उसका इतना ज्यादा खून बह जाता कि इससे पहले कि कोई उसे ढूंढता उसकी मृत्यु हो जाती, और जिस वक्त उसने अपना हाथ काटा अगर वो उस वक्त नहीं काटता तो तब भी वो उस पहाड़ी दर्रे में फंसकर हमेशा के लिए मर जाता। एरन ने जब 6ठे दिन अपना हाथ काटा तो उसका पल्स रेट बहुत कम था, उसके शरीर में बहुत कमजोरी थी, इसीलिए उसका खून इतना ज्यादा नहीं बहा, और हाथ कटने के बाद भी 4 घंटों तक एरन उस वीराने में भटकता रहा। ये घटना घटी थी 26 अप्रैल सन 2003 को, और इस घटना पे फिल्म बनी थी 2010 में जो कि एक कामयाब फिल्म थी, और इस फिल्म का नाम 127 आवर्स इसलिए है क्योंकि वो 127 घंटों तक उस पत्थर के नीचे उस दर्रे में फंसा हुआ था। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।